हेलो फ्रेंड्स। तो गाइज़, आज हमारे कबूतर के साथ बहुत बुरा हुआ और हमारे कबूतर ने बहुत ही जहरीला केमिकल खा लिया, जिसकी वजह से हमारे कुछ 150 से पौने 200 कबूतर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खून की उल्टी तलक करना स्टार्ट कर दी और कुछ भी पेट में नहीं रुक रहा गाइज़। और गाइज़, हम सर्दियों में नॉर्मल जैसे कली होती है वो कली डालते हैं कोठियों में, जिससे कि जितनी भी नमी है वो सारी ऑब्ज़र्व कर लेती है। कली नॉर्मल कली आती है सफ़ेद कलर की, और गाइज इस वाली कोठी में कबूतर इसलिए आपको नॉर्मल दिख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे वो कली या केमिकल नहीं डला, बाकी तीनों कोठियों में डला है। और गाइज़ ये समझ लीजिए, एक जगह एक ही रूम में एक जगह कली रखी थी और एक जगह दूसरी जगह केमिकल रखा था, तो दोनों बिल्कुल सेम टू डिट्टो कॉपी दिख रहे थे। तो वो केमिकल उठा के हमने कोठी में डाल दिया, ताकि हमने तो उस कली समझा था वो निकला केमिकल, और गाइस वो बहुत ज़्यादा जहरीला केमिकल था जो कि हसीन भाई की फैक्ट्री में डलता है। और गाइस उसकी वजह से सारे कबूतर ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, और दाना तो बिल्कुल अपने पास रख ही नहीं रहे। और उसमें से 30-40 कबूतर तो ऐसे भी है जो कि चल भी नहीं पा रहे, उड़ भी नहीं पा रहे बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए। और ये देख सकते हैं आप हालात कबूतरी के, और इसका दाना पलटी कराया है हमने, ये कबूतरी उड़ भी नहीं पा रही। और ये देखिए गाइस, और बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा है कबूतरों की तरफ से। ये देखिए, इसे उठाओ भाई। और हमने डिसाइड कराया कि गाइस सबसे पहले हम ये केमिकल अपनी कोठी में से निकाल लेंगे और सफाई कराई है, और इस केमिकल को हटाने के बाद हमने हल्की सी कली डाली है जो अब की बात सही कली थी, और गाइस भूस डाला है हमने, ये समझ लीजिए 4-5 किलोमीटर दूर से लागे है भूस। और ये देखिए, कोई बात नहीं। और अब हम इन्हें गाइस नमक के पानी से इनका पेट सफ़ा कर रहे हैं, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है जो जहर को काट सकती है। और ये समझ लीजिए 200-250 कबूतरों के, सबके कबूतरों के हम पेट सफ़ा करा रहे हैं। और अभी हमने एक डॉक्टर ने हमें एक मेडिसिन प्रोवाइड कराई है और बताई है उसकी वजह से, और वो सारी ये समझ लीजिए सारे कबूतरों को, आधे से ज़्यादा इस टाइम कबूतरों को हम दे चुके हैं और सारे कबूतरों को दे रहे हैं। कोई सा कबूतर नहीं बचेगा जिसे आज हम दवाई नहीं देंगे गाइस। हम 4-5 लड़के हैं यहाँ पे, और ये समझ लीजिए अभी तक दवाई लेने का आया है यहाँ से या भूस लेने का है, और बहुत ही मन घबरा रहा है इस वक्त कबूतरों को लेकर, क्योंकि गाइस खेल बना हुआ है, मोहब्बत बहुत होती है अपने खेल से। और ये देखिए गाइस, ये वो दवाई है देखिए, और सब कबूतरों को दे रहे हैं हम धीरे धीरे करके। और इस टाइम 11:30 बज चुके हैं, और अभी सामने की दो कोठियाँ भी रह रही हैं जिसे हम ने अभी दवाई देनी बाकी है। और ये समझ लीजिए अब कुछ कबूतर जब से हमने इनका नमक के पानी से इनका पलटी कराया है, तो कुछ कबूतर अब होश में आए हैं, और कुछ कबूतरों के तो ये समझ लीजिए दिमाग में चढ़ गई है इस केमिकल की खुशबू बहुत ज़्यादा। और बस खुदा से यही दुआ है कि हमारे कबूतर सही हो जाए। और ये देखिए, कुछ कबूतरों का पलटी कराने से अभी रह गया था, तो पलटी भी करा रहे हैं हाथों हाथ, और दवाई भी दे रहे हैं इन्हें गाइस। और कुछ 200-250 कबूतर है, ठंड का मौसम है, और ये समझ लीजिए इस वक्त तो ओस बरसना स्टार्ट हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह से कोठरी में तो निवास है वैसे, और वैसे भी हमने बहुत सारा। और ये देखिए गाइस, अब कुछ बच्चे वाले कबूतर है, इनके हमने पहले बच्चे भराए, अब इन्हें इनका थोड़ा सा पोटा सफ़ा करके इन्हें दे रहे हैं दवाई, और जिन्होंने जितना भी चुगा उतना सारा उगल दिया। और गाइस बच्चे वाले कबूतरों ने वो केमिकल ज़्यादा चुगा, तो कुछ बच्चे वाले कबूतर ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनके लिए आज की रात बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। बस अल्लाह से ये दुआ है, खुदा से यही दुआ है कि अल्लाह उनकी हिफाज़त करे। और ये सब बच्चे पालने वाले कबूतर हैं जिन्हें इस टाइम आप देख रहे हो अभी वीडियो में या अभी जड़चा भी, ये तो इसकी कंडीशन कुछ सही लग रही है,
वरना बच्चे वाले कबूतर ने केमिकल ज़्यादा चुगा। और अब गाइस दोनों कोठी हो चुकी है सामने की, और 1:45 का इस टाइम टाइम हो रहा है, और सब कबूतर को दवाई दे दी, सब कबूतर पोटे सब कर दिए, देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए गाइस, ये अगले दिन का टाइम है, कोठरी खुली है मगर कबूतर बाहर भी नहीं आ रहा है, दाना डाल रहे हैं हम और अभी भी दाना लग रहा है कबूतर। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो गाइस अब है दूसरा दिन कबूतरों को, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि कल हमने ये समझ लीजिए एक नई दवाई दी, जो कि हमने एक पक्षियों वाले भाई डॉक्टर से पूछी थी। तो गाइस आज है तीसरा दिन कबूतरों के, और माशाल्लाह से और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे कबूतरों ने बहुत अच्छी रिकवरी करी, और ऐसा लग रहा है आज कबूतरों को देखकर कि कुछ इनके साथ इंसिडेंट ही नहीं हुआ और कबूतर वैसे ही हो गए, और माशाल्लाह से कबूतर उठकते फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और उस दवाई से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ हमें। अगर भाई किसी के साथ ऐसा हो तो हमें बेझिझक कॉल कर सकता है। और ये देखिए कबूतर उठकते फिर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। गाइस इस हादसे से हमारे 3 कबूतर मर चुके हैं, और यानी इसमें भी अल्लाह की क्या बेहतराई थी, हम तो यही सोचते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे कबूतरों ने बहुत अच्छी वापसी करी और अब हमारे कबूतर उठ रहे बैठ रहे हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में आपसे।